हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नई जॉब की जो नगर निगम द्वारा निकाली गई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसका ऑफिशियल पीडीएफ आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके साथ ही बता दें, अन अकेडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए आइकॉनिक प्लान लॉन्च किया जा रहा है। इसमें आपको अन अकेडमी प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा जिनके गाइडेंस में आपकी तैयारी होगी। उसके साथ ही मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको एक स्टडी प्लानर दिया जाएगा और सप्ताह में दो बार उस स्टडी प्लानर के हिसाब से आपकी पढ़ाई का रिव्यू किया जाएगा। आपकी सारी पढ़ाई की देखरेख जो है एक्सपर्ट गाइडलाइन के अंडर आपकी पढ़ाई कराई जाएगी और मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। तो जो लोग इसका प्लान लेना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है, आप वहां पर आइकॉनिक प्लान सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है पेमेंट करके प्लान ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करें, जिससे आपको लगभग 6000 से लेके 13000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की और नंबर ऑफ वैकेंसीज की। ये वैकेंसी जो है चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा निकाली गई है। इसमें स्टेशन फायर ऑफिसर की एक वैकेंसी है, फायरमैन की 81 वैकेंसी है, ड्राइवर की 4 वैकेंसी है, SDE सिविल की 1 वैकेंसी है और SDHORT की 2 वैकेंसी है, अकाउंटेंट की 2 वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की 6 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की 4 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर की 2 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ की 5 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की 6 वैकेंसी है और क्लर्क की 41 वैकेंसी है। वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है और पटवारी की 1 वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की 2 वैकेंसी है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन की 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। वहीं पर स्टेनोटाइपिस्ट की 5 वैकेंसी है। टोटल 172 वैकेंसी है इसमें। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व के लिए 68 वैकेंसी है, EWS के लिए 13 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए 31 वैकेंसी है, वहीं पर SC के लिए 20 वैकेंसी है और एक्स सर्विस मैन के लिए 39 वैकेंसी है। तो इसमें 10,000 से लेकर 39,000 रुपए पर मंथ तक सैलरी है। डिटेल में जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट की एज जो है 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट की एज जो है 18 से 42 साल तथा OBC कैटेगरी के कैंडिडेट की एज जो है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं पर SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है, आप यहां पर अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।